इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और बाबा विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट अब 28 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। इसके पहले सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। देखिए, बेंच डिसाइड करना ऑनरेबल चीफ जस्टिस का काम है, उनका प्रेरोगेटिव है। अभी तक जो मस्जिद कमेटी का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया था हाई कोर्ट में, तो अभी तक उनकी तरफ से फाइलिंग हो चुकी है। रिपोर्टिंग सेक्शन में अभी मैटर उनका फाइल पता है, वहाँ से क्लियर की जा रही है। और अभी हम कैविएटर हैं, राकेश सिंह की तरफ से दाखिल हुआ है और चार महिलाओं की तरफ से संभवतः दाखिल हुआ है। तो अभी तक हम लोग जो है राकेश सिंह के बिहाफ पे हमको अभी नहीं मिला है। उसमें कब सुनवाई होगी? उसमें अब जजमेंट रिजर्व ऑनरेबल कोर्ट ने कर लिया है, 28 अगस्त को उसमें जजमेंट आएगा। सौरभ तिवारी प्लेंटिफ फॉर एडवोकेट फॉर प्लेंटिफ नंबर 1 श्रीमती राकेश सिंह। वैसे यह मामला अप्रैल 2021 से चल रहा है। 27 माह 13 दिन में कोर्ट ने इस बाबत 3 महत्वपूर्ण आदेश पारित किए और उन पर रोक लग गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई 2023 को ज्ञानवापी स्थित वजूखाना में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का काम शुरू किए जाने से पहले ही 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा थी। इसी तरह 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश एएसआई को दिया था। सर्वे का काम शुरू होने से पहले ही सितंबर 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। अब जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे आदेश दिया था। इस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी।